वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आशा करता हूँ आप सभी सही सलामत होंगे। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के बारे में बताता हूँ आपको इस बार वीडियो किस बारे में। वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेट योर मिरर। मिरर कैसे सेट करना है। मिरर तो सब लोग सेट कर सकते हैं, इजी है बहुत और बहुत आसान है तो। बट टेक्निकल जो है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ आज। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बाप्पा के दर्शन कर लेते हैं। बाप्पा मोरी। तो ये है आपका मिरर। ये अभी मैंने अपने आई लेवल पे ही रखा है कैमरा को। तो ये यहाँ से सेट होता है। बहुत से लोगों का गाड़ी का सेटिंग यहाँ पर होता है। हाँ, यहाँ पर जहाँ पे पावर विंडोज ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर होता है। बहुत से लोगों का ये मैन्युअली सेट करना पड़ता है। अपनी गरीब की गाड़ी है थोड़ी, तो ये मैन्युअली सेट करना पड़ता है। तो ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग ऊपर नीचे आप देख सकते हैं मिरर घूम रहा है ऊपर नीचे। ओके, तो ये सेटिंग कैसी होनी चाहिए और हाईवेज पे कैसे रखना है, सिटी में कैसे रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको शायद पता नहीं होगा ये चीज़ कि एक बार मिरर सेट कर लिया तो मिरर सेट हो गया। नहीं दोस्तों, मिरर सेट हो गया तो मिरर सेट नहीं हो जाता। मिरर को सेट करना पड़ता है एज़ पर द सिटी रूल्स एंड एज़ पर हाईवे रूल्स। तो ये जो चीज़ है ये आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। सिटी में है तो आप सोचोगे कि यार सिटी में क्या अलग हो जाता है और हाईवे पे क्या अलग हो जाता है। तो सिटी पे दोस्तों ये चीज़ हो जाती है कि आप जब भी गाड़ी चलाते हो तो आपको पता होता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई आपकी गाड़ी को डैमेज करके चला जा सकता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और वो आपको मिरर में दिख जाना चाहिए, दिखना ज़रूरी है। तो उसके लिए सिटी में मिरर को सेट करना अलग हो जाता है और हाईवे पे चलाने के टाइम पे हाईवे का भी अलग नॉर्म्स है। वहाँ पर भी आपको ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत हो जाते हैं। वो ब्लाइंड स्पॉट में आप बहुत स्पीड में रहते हो, आपके ब्लाइंड स्पॉट में अगर कोई बाइक वाला आ जाता है या आपके बाइक वाला आ जाता है या कार वाला आ जाता है और वो भी ब्लाइंड स्पॉट पे जब आ जाता है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है और आप राइट लो, लेफ्ट लो, अचानक से उन लोग साइड में ही रहेंगे तो आप गाड़ी आपकी डैश हो सकती है। तो उसके लिए रिगार्डिंग हाईवे एंड रिगार्डिंग सिटी आपको मिरर उस प्रकार सेट करने ज़रूरी है। तो चलिए अभी हम मिरर को सेट करते हैं। तो मैंने गाड़ी के विंडोज़ को नीचे करा है। अभी समझिए आप सिटी में चला रहे हो, तो सिटी में चलाने के टाइम पे तो आपको गाड़ी की मिरर्स को इस तरह से सेट करना है। सेटिंग क्या है आप देख सकते हो कि आपकी गाड़ी का पोर्शन जो एंड तक है, तो गाड़ी आपको पूरा पीछे तक दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, गाड़ी को कोई भी डैश कर लेगा या सिटी में जो नज़दीक आ जाते हैं कॉर्नर एकदम कट टू कट चलाते हैं गाड़ी को, तो आप इस मिरर के ज़रिए आप उनसे बच सकते हो। और वही चीज़ अगर आपको हाईवे पे करनी है तो हाईवे पे ये अपने गाड़ी को देखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन हाईवे। कोई नज़दीक से गाड़ी नहीं चलाता, जो भी होता है वो हाईवे पे दूर दूर से गाड़ियाँ बहुत स्पीड में आती है, तब वो क्या होता है कि अपना ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, वो ब्लाइंड स्पॉट आपको क्लियर करना है। और ब्लाइंड स्पॉट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी ब्लाइंड स्पॉट ये चीज़ है कि अभी मिरर में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरा यहाँ तक दिखाई दे रहा है, आपकी गाड़ी नहीं दिखाई। आपकी गाड़ी देखनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की दूसरे की गाड़ी देखनी इंपॉर्टेंट है। जो पीछे से आ रहा है वो गाड़ी आपको इंपॉर्टेंट है, जो पीछे से जो स्पीड में आ रहा है वो देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपको पिलर दिखता होगा, ये जो पिलर है ये पिलर आपको दिख रहा है, ये वही पिलर है। मतलब मैंने अपने आई लेवल पे कैमरा को रखा हुआ है, तो ये वही पिलर है जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। अभी ये पिलर आप देखेंगे तो एक्चुअली आप ऐसे रख सकते हो। तो इतना जो ब्लाइंड स्पॉट है आप अपने रखोगे, जैसे सिटी में रखते वैसे रखोगे, अगर इतना ब्लाइंड स्पॉट रखोगे तो आपके बाजू में से जो गाड़ी आ रही है वो बहुत दूर से अगर आती होगी तो आपको नहीं दिखेगा ये लेवल पे, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, गाड़ी का थोड़ा सा पार्ट देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आपको, हैंडल दिख रहा होगा, ठीक है। ये लेवल जो है ना ये आपको रखना है। तो इससे अभी ये गाड़ी को ऑब्वियसली आपको हैंडल दिख रहा है, मीन्स आपकी गाड़ी के मीन्स ज़्यादा करीब कोई भी अगर आ रहा है तो आप वो देख सकते हो। बट साथ ही साथ आप जो पिलर आप नहीं देख पा रहे थे वो आप अब आप देख पा रहे हो,
तो दैट मीन्स वो ब्लाइंड स्पॉट आपका निकल चुका है, जो एकदम आप बाजू में आके ओवरटेक करके जो जा रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता है। अगर किसी का स्पीड होगा, समझो 80 का स्पीड होगा और आपका भी 80 का स्पीड होगा, तो कभी कभी क्या हो जाता है, गाड़ी अपन बहुत टाइम सेकेंड्स के लिए वो अपने बाजू में ही हो जाता है। तो तब तक क्या हो जाता है, फिर आपको पता नहीं रहता कि बाजू में गाड़ी है कि नहीं है, क्योंकि आपके विंडोज़ बंद रहते हैं। विंडोज़ बंद होने से बाहर का जो साउंड है वो बहुत कम हो जाता है, वो कम होने से आपको पता नहीं चलता है कि आपके बाजू बैक साइड में, बैक से राइट साइड से ओवरटेकिंग के लिए जो गाड़ी आ रही है वो आपको पता नहीं चलती कि वो आपके कितने पास है, कितने नज़दीक है। ये ब्लाइंड स्पॉट है, जो यही जो है, ये जो पोर्शन होता है ये आपको ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। तो जैसे ही आप मिरर सेट करते हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप यहाँ पे भी एक मिरर लगा सकते हो, जो मिरर आपका यहाँ का शो करेगा, जो ये जो पोर्शन है गाड़ी का, ये एरिया जो है ये कवर कर लेगा, मतलब ये गाड़ी का हाफ पोर्शन कवर कर लेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो गाइज, मैंने मिरर सेट करने का तरीका तो आपको बता दिया, सिटी में कैसे सेट करना है और हाईवे पे कैसे सेट करना है, और साथ ही साथ में आपको आपके लिए दो चीज़ लेके आया हूँ जो आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगी, और वो चीज़ ये, इस दोनों के बारे में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में इन चीज़ों इनके फ़ायदे क्या हैं ये भी आपको बता दूँगा। फ़ायदे तो मैं अभी बता ही रहा हूँ आपको इसकी क्या है। तो गाइस, ये जो रेन प्रूफ है ये अभी मैं लगाने जा रहा हूँ, आपको शो करता हूँ कैसे लगाना है। पहले तो हम अपना विंडो बंद करेंगे, विंडो क्लोज करने के बाद इसके अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये बारिश में गाड़ी भीगने के कारण है ना, यहाँ पे पूरा ड्रॉप्स है, तो इसको हम पूरा क्लीन कर लेंगे। पहले क्लीन कर लेते हैं, फिर आप दोस्तों और एक चीज आपको बता दूं कि ये पूरे कांच पे नहीं बैठता, ये सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है जो आपको अपनी मिरर देखने के लिए हेल्प करता है, वो भी इस तरह होता है, इतना सा छोटा सा, देखिए ये इतना सा छोटा है। तो ये कहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठेगा और आपके मिरर को देखने के लिए आपको हेल्प करेगा। चलिए लगा देते हैं। तो गाइज ये लग चुका है, मैंने लगा दिया है, अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप स्क्वायर देख सकते हैं, ये स्क्वायर मैंने मिरर ये विंडो पे लगाया हुआ है, ये विंडो पे, और इसके बाहर आप देख सकते हैं ये जो वाटर ड्रॉप्स है ये उसके अंदर नहीं है, वहाँ पे ये पूरा क्लीन पोर्शन है और मिरर भी मुझे क्लीन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो ये वाटर ड्रॉप्स है ऊपर और नीचे क्लीन। तो चलिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं बारिश में जाके, अभी बारिश में चले जाएंगे, बारिश तो वैसे रुक गई है, फिर भी थोड़ा पानी मार के आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। तो ये हमारा वाटर गन है, यहाँ पर ड्रॉप्स दिखाई दे रहा है आपको, बट ये क्लीन है, वाओ, सेम ऑन मिरर, यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स, साइड में आपको वाटर ड्रॉप्स दिखाई देंगे, बाकी सेंटर पे क्लीन है। तो चलिए थोड़ा सा बारिश में घूम के आते हैं, बट बारिश तो है नहीं, लेट्स सी, ये आप चेक कर सकते हैं, देखिए कैसे क्लीन दिख रहा है प्रॉपर, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, फिर क्लीन दिखाई दे रहा है, साइड में वाटर ड्रॉप्स है बट बाकी तो पूरा क्लीन दिखाई दे रहा है। यस, तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो है अमेज़ॉन से, एंटी फॉग फिल्म, इसे हम ज़रूर 5 स्टार देंगे, और तो मैं और आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा ये आप ले लें आपकी गाड़ी के लिए। बस इतना है कि ये लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि बबल्स बहुत रेड तैयार होते हैं, मैं बहुत थक गया इसे लगाते, जिसे अगर आप इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो तो आप एग्जैक्टली प्रॉपर लगा सकते हो, बट अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी गैरेज वालों से या जो कार एसेसरीज जो बेचते हैं उनसे आप लगा के
ले लीजिए, क्योंकि ये बबल्स जो होते हैं वो अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहे, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये जो बबल्स है वो बहुत आया और निकालते निकालते मेरी आधी आधी जान निकल चुकी है, पसीने से लथपथ हो गया हूँ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं यहाँ पे ही वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज आपने यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और एंड शेयर जितना हो सके उतना शेयर करना। थैंक यू सो मच।